हेलो दोस्तों, तो इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर को देखा और अब हमारा नया जो पार्ट्स है वो है मॉसफेट। तो मॉसफेट जो है वो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर का ही लेटेस्ट वर्जन है, यानी ट्रांजिस्टर से ज़्यादा उपयोगी, यानी कि आज की सर्किट में आपको ट्रांजिस्टर से ज़्यादा मॉसफेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल की जितनी भी आईसीज है उसके अंदर ट्रांजिस्टर के बदले अब मॉसफेट यूज़ करने लगे हैं। तो आपको ज़्यादातर हम आईसी की डेटा सीट जब देखेंगे तो उसके अंदर हम मॉसफेट का यूज़ देखेंगे। तो मॉसफेट ज़्यादा अच्छा है ट्रांजिस्टर के मुकाबले। उसकी वजह यह है कि एक तो पहली चीज़ इसकी उसका बेनिफिट ये है कि आपको जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर आपको लेग ढूंढना पड़ता था कि कौन सा आपका बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमिटर है, इसमें एक तो ये चीज़ नहीं है, ये बहुत एकदम ईजी हो गया है। दूसरी चीज़ के ट्रांजिस्टर से ज़्यादा यानी कि कम वोल्टेज के अंदर वो ऑपरेट हो जाता है, यानी मॉसफेट एकदम लो लेवल के वोल्टेज से ऑपरेट हो जाता है, इसलिए आजकल के बोर्ड में ज़्यादातर यूज़ मॉसफेट का होता है। तो हम समझते हैं कि मॉसफेट क्या है, पहले तो समझते हैं कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि ये एक तरह का ट्रांजिस्टर ही है, सिर्फ इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है। तो उस डिज़ाइन को हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह की इसकी डिज़ाइन बनी होती है। तो हम देखते हैं कि दिखने में तो कुछ ट्रांजिस्टर जैसा ही होता है, लेकिन हमारे पास ट्रांजिस्टर में क्या था कि ये तीन पिन के अंदर कोई भी हमारा एन हो सकता था, कोई भी हमारा पी हो सकता था, यानी कि समझ लीजिए कि ये अगर हमारा बेस है तो आजू बाजू की पिन हमारी एमीटर है और ये कलेक्टर है, इस तरह से हमको पिन को उसको ढूंढना पड़ता था। मॉसफेट के अंदर ये चीज़ की एकदम आसानी हो गई है, क्योंकि इसका जो पहला पिन होता है वो हमेशा होता है गेट। गेट बिल्कुल सिमिलर है जैसे जैसे हम लोग ने ट्रांजिस्टर के अंदर देखा कि जहाँ पे हमारा बेस होता है, यानी कि जो कॉमन होता है उसको हम बेस बोलते थे और बेस से ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता था, उसी तरह से मॉसफेट जो है वो एक गेट से ऑपरेट होता है और उसकी जो पिन नंबर वन होती है वो हमेशा गेट होती है। यानी कि हमेशा हमें याद रखना है कि एक मॉसफेट का पिन नंबर वन हमेशा गेट ही होता है, उसका दूसरा पिन हमेशा होता है ड्रेन, और ड्रेन जो होता है वो बीच का ही होता है और साथ में इसके पीछे जो ये मेटल लगा हुआ है वो भी हमेशा ड्रेन ही होता है, यानी ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये एक ही पिन है, ये अलग अलग नहीं है, यानी ऊपर वाला भी ड्रेन है, नीचे वाला भी ड्रेन है, यानी कि पीछे की जो मेटल है वो हमेशा ड्रेन से जुड़ी हुई होती है। और तीसरी जो इसकी पिन होती है जिसको बोला जाता है सोर्स, यानी जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिले गेट ड्रेन सोर्स, तो समझ लीजिए कि वो ट्रांजिस्टर नहीं है, वो मॉसफेट है। तो मॉसफेट को इजीली आपको समझ लेना है। जिस तरह से हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर थे, पीएनपी ट्रांजिस्टर थे, उसी तरह से मॉसफेट के अंदर भी हमारे पास एन चैनल और पी चैनल दोनों मॉसफेट होंगे। तो उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो एन चैनल कौन सा है या पी चैनल कौन सा है? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ड्रेन के साथ जो डायोड का सिरा जुड़ा हुआ है वो मॉसफेट का नाम है। जैसे हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे हमारा एक डायोड हमने लगाया है जिस जो ड्रेन के साथ उसका कैथोड जुड़ा है, कैथोड यानी कि माइनस, माइनस यानी कि नेगेटिव, तो ये एन चैनल मॉसफेट है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ड्रेन के साथ डायोड का जो भी टर्मिनल जुड़ा हुआ है वही उसका नाम है। तो यहाँ पे नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एन चैनल मॉसफेट, और उसका जो एनोड है वो सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, और गेट किसी भी टर्मिनल से फिजिकली जुड़ा हुआ नहीं होता है। यानी मल्टीमीटर से अगर हम चेक करेंगे तो हम मल्टीमीटर का रेड प्रॉप सपोज यहाँ पर रखते हैं और ब्लैक प्रॉप हम यहाँ पर रखते हैं कैथोड पर, तो हमें एक वैल्यू दिखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बनता है फॉरवर्ड बायस, यानी कि जब भी सोर्स के ऊपर रेड प्रॉप रखो और ड्रेन के ऊपर ब्लैक प्रॉप रखो, और अगर आपको कोई वैल्यू दिखने को मिलती है तो वो डेफिनेटली एन चैनल मॉसफेट है। अगर पी चैनल मॉसफेट होगा तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिखेगा, तो समझ लेना है पी चैनल है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पी चैनल में देखनी है तो आपको मल्टीमीटर के प्रॉप उल्टाने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे आपने रेड रखा था, यहाँ पे आप ब्लैक रख दो, यहाँ पे आप रेड रख दो तो आपको वैल्यू दिखाएगा, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा पी चैनल मॉसफेट। फिलहाल ये एन चैनल मॉसफेट है, और ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम आगे समझते हैं। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा एक गेट का यूज़ होता है, और एक चीज़ और याद रखना
कि जो एन चैनल का मॉस्फेट होता है वो पॉजिटिव से ऑपरेट होता है और पी चैनल का मॉस्फेट होता है वो नेगेटिव से ऑपरेट होता है, यानी जिस चैनल का मॉस्फेट है उसकी ऑपोजिट सप्लाई से वो ऑपरेट होगा। तो उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे गेट पे हमें वोल्टेज देना पड़ेगा, वो हम आगे के एनिमेटर सर्किट के अंदर देखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर वोल्टेज दे के हम इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। बिल्कुल ये स्विचिंग का काम ट्रांजिस्टर की तरह ही करेगा, ये ट्रांजिस्टर से कुछ ज़्यादा ही स्पीडी स्विचिंग कर सकता है और ये लो वोल्टेज से ऑपरेट हो जाता है, यानी ट्रांजिस्टर से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है एक मॉस्फेट। अब हमने यहाँ पे एन चैनल का मॉस्फेट देखा, अब हम दूसरा एक मॉस्फेट देख लेते हैं। तो एन चैनल मॉस्फेट की खासियत मैंने आपको जैसे बता दिया कि एन चैनल में ड्रेन हमेशा कैथोड के साथ जुड़ा होता है, यानी कि हमने देखा कि ड्रेन के साथ जो टर्मिनल हमारे डायोड का जुड़ा हुआ है वो हमेशा नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके ऊपर से उसका नाम डिसाइड होगा। तो यहाँ पे एन जुड़ा हुआ है तो ये एन चैनल मॉस्फेट है जहाँ पे ड्रेन कनेक्टेड है कैथोड के साथ, और दूसरी एक चीज़ सोर्स हमेशा वहाँ पे एनोड के साथ जुड़ा होगा और ये ऑपरेट होगा पॉजिटिव वोल्टेज से। मैंने आपको बताया कि अगर एन चैनल है तो पॉजिटिव से होगा और पी चैनल है तो नेगेटिव से होगा। अब हम देखते हैं एक पी चैनल मॉस्फेट, तो पी चैनल मॉस्फेट में भी सेम वैसे ही होगा, एक गेट होगा, एक ड्रेन होगा और एक सोर्स होगा। ये लाइन में कभी भी मॉस्फेट के अंदर फर्क नहीं आएगा, गेट कभी भी यहाँ या यहाँ नहीं आ सकता, सोर्स कभी यहाँ या यहाँ नहीं आ सकता। हमेशा पहला नंबर का पिन जो होगा वो गेट होगा, दूसरे नंबर का ड्रेन होगा और तीसरे नंबर का सोर्स होगा। और ड्रेन जो पिन है वो बीच वाली पिन के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि जो पीछे मेटल की बॉडी लगी रहती है उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, यानी ये पिन कॉमन होती है, ये हमेशा याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा डायोड किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हमारे डायोड का एनोड यानी कि पॉजिटिव जुड़ा है ड्रेन के साथ, तो ये हो गया पी चैनल मॉस्फेट और ये ऑपरेट होगा गेट से ऑपरेट होगा। और इसके हम देखें कि पी चैनल मॉस्फेट है वो ड्रेन से कनेक्टेड क्या है उसका एनोड, और सोर्स कनेक्टेड है कैथोड के साथ और ऑपरेट होगा ये नेगेटिव वोल्टेज से। तो ये चीज़ें याद रखने की है मॉस्फेट के अंदर हमेशा, कि मॉस्फेट के अंदर कौन सा मॉस्फेट कौन से पॉजिटिव वोल्टेज पे ऑपरेट होगा या नेगेटिव वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि मॉस्फेट काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पे हमने एक मॉस्फेट लिया हुआ है जिसका कैथोड ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये एक एन चैनल मॉस्फेट है और इसको हमें गेट से ऑपरेट करना है। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के अंदर देखा था कि हमको अगर स्विच ऑन क्रिया करनी है यानी कि कांस्टेंट सप्लाई देनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो वो सप्लाई चालू की चालू रहेगी, उसी तरह से अगर हमें स्विचिंग कराना है तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज देते थे। तो अब तक हम जो सप्लाई देते थे वो एक एसी सप्लाई यानी पल्स वाली सप्लाई थी, उसी तरह का एक लॉजिक लेवल होता है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारा जब बेसिक इलेक्ट्रॉन के बाद जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक समझेंगे तब मैं आपको लॉजिक लेवल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये मॉस्फेट जो होता है एक लॉजिक लेवल से ऑपरेट होता है, तो लॉजिक लेवल कैसे काम करता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इस पे हमने ड्रेन पे हमने 5 वोल्ट डीसी का सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन ये सप्लाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायोड का नेगेटिव है और हमने जो सप्लाई दी हुई है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलेंगे रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में कभी भी करंट पास नहीं होता है, यानी यहाँ पे सप्लाई आएगी तो सही लेकिन ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसको जब तक हम स्विचिंग नहीं कराएंगे यानी गेट पे जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे ये ऑन नहीं होगा। तो इसकी गेट पे हम अगर सप्लाई देंगे तब ये सर्किट हमारी पूरी सर्किट बनेगी यानी कि क्लोज सर्किट बनेगी। तो हम यहाँ पे देते हैं पल्स, तो इसको बोला जाता है पल्स, यानी कि ये है एक तरह का लॉजिक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नीचे का हिस्सा है इसको बोला जाता है लॉजिक लो, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको बोला जाता है लॉजिक हाई। ये हम पूरा डिटेल में सर्किट में जब मैं आपको समझाऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद रखने के लिए कि ये नीचे का हिस्सा है जहाँ पे जीरो वोल्टेज होगा हमारे मोबाइल के अंदर। लॉजिक लेवल का मतलब होता है जीरो वोल्टेज और लॉजिक हाई का मतलब होता है 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज यानी कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है यानी कि माइनस है, और जब 1.8 वोल्टेज आएगा तो इसको बोला जाएगा लॉजिक हाई। तो यानी लॉजिक लो, लॉजिक हाई, लॉजिक लो, लॉजिक हाई, इस तरह की सप्लाई हम देंगे। यानी जब इसको लॉजिक लो मिलेगा तब ये ऑन नहीं होगा, लेकिन जब इसको लॉजिक हाई मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एन चैनल मॉस्फेट वो हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होता है,
तो ये वाला जो है वो जीरो वोल्टेज यानी कि नेगेटिव वोल्टेज है, तो इससे वो ऑपरेट होगा नहीं, लेकिन जब उसको पॉजिटिव पल्स आएगा तब वो ऑन होगा, फिर नेगेटिव पल्स आएगा तो फिर बंद होगा, फिर पॉजिटिव पल्स आएगा तो फिर ये चालू होगा। यानी इस तरह से हम इसको स्विचिंग करा सकते हैं। इसको हम एनिमेशन में देखें तो आप देखें कि करंट यहाँ पे आके रुका हुआ है, क्योंकि ये सप्लाई अभी हमने दिया नहीं है। इस सप्लाई को अगर हम एंटर करते हैं यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि लॉजिक हाई जब यहाँ पे मिलेगा तब ये मॉस्फेट काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हमने ये दिए दिए लॉजिक हाई, तो ये क्या हो गया, हमारा करंट यहाँ से बह के नीचे तक आना शुरू हो गया, यानी ये सर्किट तो हमारी क्लोज सर्किट बन गई और हमारा लोड काम करने लगा। तो इस तरह से हम एक मॉस्फेट के जरिए हम स्विचिंग की क्रिया भी करा सकते हैं, स्विच ऑन की क्रिया भी करा सकते हैं, लेकिन मॉस्फेट में ज़्यादातर लॉजिक सप्लाई दे के उससे स्विचिंग की क्रिया ही कराई जाती है, यानी कि स्विच ऑन ऑफ करके उसमें बड़ी स्पाइक बनाई जाती है और सेम ट्रांजिस्टर की तरह ही ये काम करेगा। अब हम देख लेते हैं, जैसे एन चैनल का मॉस्फेट है उस तरह का हम पी चैनल मॉस्फेट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम नोटिफिकेशन रखा हुआ है कि एन चैनल को मॉस्फेट को चालू करने के लिए हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज आपको गेट पे देना पड़ेगा, तभी ये ऑन होगा। तो अब हम देखते हैं एक पी चैनल मॉस्फेट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक पी चैनल मॉस्फेट लिया हुआ है, यहाँ पे ड्रेन के साथ इसका एनोड यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया पी चैनल मॉस्फेट। अब हम इसको ऑन कराने के लिए पहले हम इस पर सप्लाई देंगे, 5 वोल्ट डीसी दिया, इसको हमने लोड लगाया। अब हम यहाँ पे लॉजिक सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे लॉजिक लो सप्लाई से ये ऑन होगा। जब लॉजिक लो सप्लाई अंदर जाएगी तब ये ऑन होगा और ये सर्किट हमारी क्लोज सर्किट बन जाएगी। तो इसी तरह से हमारा मॉस्फेट काम कर सकता है। जिस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर में हमने देखा था कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर है, सेम उसी तरह से मॉस्फेट के भी दो प्रकार है, N चैनल और P चैनल, और उससे हम स्विचिंग की क्रिया करा सकते हैं।